गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड वेलकम टू शरद बी मोरे इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। नाउ ये स्टूडेंट वी हैव टू स्टार्ट द लेसन नंबर 8 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके द लेसन नंबर 8 इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज मीन बाय द स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स द सब्सटेंस विच आर नॉट इन मोशन। ऐसी चीज़ें जो क्या है ये मोशन में नहीं है, जो मूव नहीं होती है, जो क्या है ये एक जगह पे रुकी रहती है, उसको हम बोलते हैं क्या स्टैटिक। तो यहाँ पे क्या है इस लेसन का नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मींस ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो मूव नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है बट क्या है ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होती नहीं है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यस लेट्स रिकॉल। ओके तो दिस आर रिलेटेड टू द यस योर प्रीवियस नॉलेज। पहले जो आप लोगों ने स्टडी किया उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो हम लोग ये जस्ट वी विल रीड द क्वेश्चंस। ओके एंड दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम। ये जो है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है इसको देखना है ये क्वेश्चंस है क्या। ओके नाउ ये सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ए प्लास्टिक कॉम और रूलर रब्ड ऑन द ड्राई हेयर अफेक्ट अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ द पेपर। सेकेंड इफ वी पास नियर ए पॉलिस्टर कर्टन अगेन एंड अगेन इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अस। ऑल दिस एक्सपीरियंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड। इफ वी रब ए ब्लैंकेट विथ अवर हैंड्स एंड टेक इट नियर अ मेटल ऑब्जेक्ट ए स्पार्क इज सीन इन द डार्क। और वेन वी गिव द जर्क, जब हम क्या करते जर्क देते हैं ये क्या है ये ब्लैंकेट को, देन ऑल्सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पार्क। तो क्या होगा वहाँ पे हम लोगों को स्पार्क दिखाई देता है। डू यू नो ऑफ अदर सच इंस्टेंसेस। क्या आप इस टाइप के जो है ये इंस्टेंसेस एग्जाम्पल्स जानते हो? तो यस यू ऑलरेडी नो यस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Now yes, here we have to gain the extra knowledge about these things. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है ओके कि क्या करते if the plastic comb is rubbed on the dry hair and when it is brought near the pieces of the paper, that pieces of the papers are attracted towards the scale and when we pass again and again yes from nearby the polyester curtain, that polyester curtains attracts our hairs which are present on our body, and if blankets are rubbed with hands or given jerk, then there is a formation of a spark. Now see the electric charge. What is the electric charge? Electric charge hai kya? What do the above observations tell us? Upar ke observations kya humko batate hain? These examples are just a glimpse of the electric charge that all object in our surrounding hold in abundance. Okay, so these are the some examples. Okay, that shows the electric charge. ये कुछ ऐसे example है जो क्या है electric charge show करते हैं in nature. Nature में जितने भी objects हैं ऐसे बहुत सारे objects हैं that contain the abundance amount of the charges के अंदर बहुत ही large amount में charges present है। ये क्या था कुछ example थे लेकिन ऐसे क्या है ये बहुत सारे substance है और बहुत सारे substance में very huge amount of charges are present, बहुत ही large quantity में charges present है। Electric charge is stored even in our own bodies. Electric charge is stored इवन इन आवर बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बींग के बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है ये स्टोर रहती है, स्टोर होती है। अब ये कहाँ पे जो क्या है ये जो हमारे बॉडी के अंदर जब क्या है ये जो
मैसेजेस बॉडी से कहाँ पे जाता है, ब्रेन में, और ब्रेन से कहाँ पे आता है, ऑर्गेन्स और जो हमारे मसल सेल्स है वहाँ आते हैं। तो ये भी सिग्नल्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में ही क्या ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज पार्टिकल्स। नाउ यस, व्हाट इज मीन्ट बाय द इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, अंदर का, अंदर जो अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे अंदर हो, जो अंदर मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। ओके, बाहर नहीं, अंदर। तो ये क्या है, ये इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स। दो इन दिस वे इलेक्ट्रिक चार्ज इज अबेंडेंटली प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज इन अ हिडन स्टेट। इतना लार्ज क्वांटिटी में ये पूरे मटेरियल के अंदर क्या है, ये चार्जेस प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ पे है, अंदर है, अंदर। इंट्रेंसिंग का मतलब उसके इनर पार्ट में, अंदर पार्ट में है, एंड दिस इज इन हिडन स्टेट, और वो भी अंदर है और साथ में हिडन है। हिडन का मतलब क्या है, छुपा हुआ है, हमारे अंदर चार्ज है लेकिन छुपा हुआ है। कोई भी सब्सटेंस जो हमको दिखाई दे रहा है, मेटल का बना हो या किसी भी चीज़ का बना है, उसके अंदर क्या है, वो चार्ज है, लेकिन वो चार्ज क्या है, उस सब्सटेंस के अंदर छुपा हुआ है। दिस इज बिकॉज द टू अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन ऑल दीज सब्सटेंस। अब ये छुपा हुआ है, हम लोगों को ये चार्जेस फील नहीं होते, महसूस नहीं होते, बिकॉज इन दैट सब्सटेंस देयर आर द टू डिफरेंट चार्जेस एंड देयर नंबर्स आर इक्वल, देयर क्वांटिटीज आर इक्वल। ओके, जैसे कि क्या है, ये दो बॉय हो और दोनों बॉय का अगर क्या है, वेट सेम हो, दो बॉय है और दोनों का वेट सेम हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर दोनों बॉय को हम लोग अगर बैलेंस, जो तराजू है, तराजू के क्या है, ये दोनों पैन में अगर उनको बिठा दें, खड़ा कर दें, तो क्या होगा, ये जो बैल, ये पैन होगा वो किसी भी साइड क्या होगा, नीचे आएगा नहीं, दोनों साइड में क्या है, इक्वल शो करेगा। तो वैसे ही सेम जो सब्सटेंस होते हैं, उस सब्सटेंस के अंदर क्या है, ये चार्जेस छुपे हुए हैं, और उसके ऊपर वो चार्ज महसूस नहीं होता, फील नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर दो टाइप के चार्जेस है, तो उनका क्वांटिटी भी सेम है, उनका नंबर भी सेम है। जैसे कि क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो उसका क्वांटिटी है उतना ही क्या है, उसका निगेटिव चार्ज जो है उसका भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी दोनों की सेम है। एंड नंबर्स आर ऑल्सो सेम। सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 100 चार्ज है, सपोज 100 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर 100 निगेटिव चार्ज भी है, तो 100 पॉजिटिव चार्जेस आर बैलेंस बाय द 100 निगेटिव चार्जेस, दैट्स वाई दैट सब्सटेंस यस डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ द चार्ज, इट इज इन द न्यूट्रल स्टेट। तो वो क्या है, हमको न्यूट्रल स्टेट में दिखाई देता है। वेन पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। अब बैलेंस कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी और नंबर सेम होगा, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इट मीन्स बैलेंस। देन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, न्यूट्रल। एंड देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, इवन दो इट कंटेन द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, जबकि उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। इफ दिस चार्ज आर नॉट बैलेंस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज। लेकिन अगर ये क्या है, चार्जेस अगर बैलेंस नहीं है, कम ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट का है ये क्या होगा, न्यूट्रल स्टेट में नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो चार्ज रहे, चार्ज रहे, चार्जिंग हुआ है उसमें। अब देखो ये जो है, ये एटम के रेफरेंस में अगर देखेंगे, नाउ वी नो दैट ईच एंड एवरी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ, यस ईच एंड एवरी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ व्हाट, एटम्स। ओके, सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। तो अब अगर हम एटम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज कि क्या है यहाँ पे, सपोज ये क्या है, ये ऑक्सीजन एटम है। ओके, तो ऑक्सीजन जो एटम है, ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट शेल होगा उस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2।
और ये जो उसके बाद वाला जो सेल्स है उसमें कितने होंगे, सिक्स, कितने, सिक्स। ये सर्कल्स क्या शो कर रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिक्स है। ओके नाउ ये अब देखो यहाँ पे ये व्हाट वी हैव सीन, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एटम किसका है, ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर। तो इन दिस वे देयर आर द सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, एंड जो अंदर वाला सेल है, वन टू टू इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स इलेक्ट्रॉन। ओके अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एट इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, एट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इस एटम में एट इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो सेंट्रल पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एट प्रोटॉन्स भी है, एट इलेक्ट्रॉन है और क्या है, एट प्रोटॉन्स। और यहाँ पे प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज रहता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, निगेटिव। तो ये जिस भी चीज़ का ये एटम है, यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल कंसिडर किया, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन जो गैस है वो किससे बनी हुई है, ऑक्सीजन एटम से बनी हुई है। तो नाउ यस, दिस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है, इनर मोस्ट पार्ट है उस एटम का। तो सबसे अंदर ये है प्रोटॉन, सबसे अंदर वाले हिस्से में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यस पॉजिटिव चार्जेस क्या है यहाँ पे, चार्ज क्या, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, अंदर की प्रॉपर्टी है। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कितने, यहाँ पे एट जो न्यूक्लियस के अंदर है, एंड ये जो निगेटिव चार्ज है वो एट बाहर है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो भी सेम होती है। दैट्स व्हाई यस, इवन दो दिस हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्जेस, ऑक्सीजन एटम में दो अलग अलग टाइप के चार्जेस हैं, लेकिन दोनों का नंबर सेम है। तो दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज आर बैलेंस बाई निगेटिव चार्ज, और यू कैन से दैट निगेटिव चार्ज आर बैलेंस बाय द पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई दिस ऑक्सीजन एटम विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ द चार्ज, चार्ज है लेकिन हम लोगों को यस वो क्या है, न्यूट्रल दिखाई देगा। क्यों न्यूट्रल लगेगा, बिकॉज क्या है, दोनों बैलेंस है। बट अगर यस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी रीजन की वजह से अगर क्या हो गया, नाउ इलेक्ट्रॉन का नंबर एट था लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सेवन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेवन। तो नाउ दिस चार्जेस आर नॉट बैलेंस, अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेवन हो गया तो ये चार्जेस बैलेंस नहीं रह गए, कम ज़्यादा हो गए। तो क्या होगा, अब पहले यही ऑक्सीजन एटम क्या था, न्यूट्रल था, क्या था, न्यूट्रल। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन सेवन है इसलिए, क्योंकि एट प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो अब इस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब इस एटम को क्या बोलेंगे, चार्ज्ड एटम। ओके मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इन दिस वे चार्जेस आर डेवलप व्हेन देयर इज अ यस डिस्टरबेंस, और यस यू कैन से यस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट ऑन सब्सटेंस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द चार्ज। तो इस तरह से उनके ऊपर ये चार्ज डेवलप होते, और ये डेवलप होने के लिए क्या है, यस बहुत सारे यस क्या है, थिंग्स है, बिकॉज ऑफ दैट दिस नंबर ऑफ चार्जेस आर डेवलप। ओके तो ये समझ में आ गए स्टूडेंट की, यस इवन दो यस दैट ऑल सब्सटेंस आर हैविंग द यस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इवन दो दे डू नॉट शो दैट चार्जेस, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज इन दैट सब्सटेंस आर इक्वल, एंड व्हेन दिस चार्जेस बिकम अनबैलेंस देन ओनली दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द चार्ज्ड। उसको तभी हम बोलेंगे कि वो चार्ज्ड है, चार्ज्ड है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो अंडरस्टूड कि कैसे क्या है, ये सीए न्यूट्रल होते हैं और कब ये क्या है, ये चार्ज जो हो जाते हैं ये। नाउ लेट्स ट्राई दिस, हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अब यहाँ पे देखो, हाउ वुड टू चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, किस तरह से दो चार्ज ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते एक दूसरे से। तो
अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, व्हेन देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज देन देयर इज अट्रैक्शन एंड इफ देयर आर द टू सेम चार्जेस एंड दे टू सेम चार्जेस मे बी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस एंड बोथ मे बी निगेटिव चार्जेस. तो वेन बोथ आर निगेटिव चार्जेस और बोथ आर इन पॉजिटिव चार्जेस दैट टाइम द रिपल्सन टेक्स प्लेस. ओके मीन्स देयर इज नो अट्रैक्शन, दे आर मूविंग फ्रॉम ईच अदर. ओके दोनों जो क्या है ये से एक दूसरे से दूर भागते. कब दूर भागेंगे? जब दोनों के ऊपर क्या होगा? सेम चार्ज होगा. और क्लोज कब आएंगे एक दूसरे के? जब दोनों के ऊपर क्या होगा? चार्जेस अपोजिट होगा, एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा उस टाइम. व्हाट डू द नाउ यस ट्राई दिस. रब वन एंड ऑफ द ग्लास रॉड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ. ओके अब ये ग्लास रॉड मतलब कांच की क्या है रॉड बनी होती है एंड दिस ग्लास रॉड आर यूज इन द लेबोरेटरी. ये लेबोरेटरी में ये ग्लास रॉड यूज होता है. ठीक है जैसे कि क्या होती है स्टिक होती है, तो स्टिक जो है ये जनरली किसकी होती है? ये वुड की बनी होती है, लकड़ी की होती है. वैसे ही स्टिक क्या हो सकती है? ये किसी मेटल से बनी होगी या किसी अदर मटेरियल से बनी होगी. तो यहाँ पे कांच से बना होगा, ग्लास से बना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लास रॉड. तो क्या है ये? रब वन एंड ऑफ द ग्लास रॉड अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ. सिल्क ओके रेशम का कपड़ा लेना है और रेशम के कपड़े पे क्या करना है? इसको रब करना है. रब करना मतलब रगड़ना है. इसको रगड़ना है ग्लास रॉड को. ड्यू टू द रबिंग ए स्मॉल चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. अब यहाँ पे रबिंग की वजह से, किसकी वजह से? रबिंग मतलब रगड़ना. रगड़ने की वजह से क्या होगा? स्मॉल चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होगा. एज ए रिजल्ट बोथ ऑब्जेक्ट विल बिकम सम वॉट चार्ज. इसलिए क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? चार्ज हो जाएंगे. अब ये दोनों कैसे चार्ज होंगे? ये अब जो देखो क्या होगा, जो जिससे वो चार्ज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में समझ लो कि क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट है. यहाँ क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है अब यहाँ पे सपोज पहले क्या था, 10 पॉजिटिव था और 10 नेगेटिव था. ठीक है 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव था. अब क्या हो गया, सपोज इस रबिंग की वजह से इस ऑब्जेक्ट से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और इस पे सपोज कितना था, 12 पॉजिटिव था और 12 नेगेटिव था. समझ में आई बात? अब ये दो ऑब्जेक्ट लिया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट टू है. अब सपोज देयर इज रबिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू. ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच में क्या किया हमने, रबिंग किया. तो क्या होगा, सपोज ये अर्लियर देयर वेयर द 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 10 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव चार्जेस. ओके नाउ यस ऑन रबिंग सपोज यस फ्रॉम ऑब्जेक्ट वन वन नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट टू. यहाँ से एक क्या हो गया, ये चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो गया. तो वट विल हैपन, द प्रोटॉन विल रिमेन सेम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो 10 का 10 रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 9 इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो गया यहाँ पे, अब ये डिसबैलेंस हो गया ना, अनबैलेंस हो गया ना, 9 प्रोटॉन और ये 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन. एक जो है प्रोटॉन ज़्यादा यहाँ पे, जब एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. और यहाँ देखो क्या था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स थे या 10 नेगेटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा लेकिन पॉजिटिव एज इट इज रहेगा. तो क्या हो गया, यस व्हेन चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हुआ दैट टाइम यस बोथ ऑब्जेक्ट गेट चार्ज्ड, दोनों पे चार्ज डेवलप हुआ. जिसने इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से, एंड जिसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया और पॉजिटिव चार्ज यस क्या है, एक कम हो गया. दैट्स वाई
अंडरस्टूड स्टूडेंट कि कैसे अगर रबिंग करते हैं या क्या है इस अदर एक्टिविटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या है जब हम दो चीज़ों को क्या करते हैं रबिंग करते तो क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या होता है ट्रांसफ़र होता है और दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं चार्ज्ड हो जाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा। अब सपोज कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अगर उसके नज़दीक लेकर आएंगे तो क्या होगा उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, मीन्स दे टू थिंग्स विल मूव फ्रॉम ईच अदर। और सपोज वो क्या है इससे वो चार्ज क्या है नेगेटिव है और हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास उसको लाया उसके नज़दीक लाया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, मीन्स बोथ विल अट्रैक्ट और पुल टूवर्ड्स देमसेल्फ, अपनी तरफ दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। समझ में आई बात? ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो समझ में आया कि किस तरह से वो क्या है ये चार्ज ट्रांसफर होने से वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं चार्ज्ड हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट बोथ द ऑब्जेक्ट विल बिकम सम वॉट चार्ज्ड। सस्पेंड दिस रॉड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। Now charge another glass rod in the same manner and bring it near the suspended rod. What do you see? Okay, अब क्या बोला है इसमें? Yes, in same way. हम लोगों को another glass rod लेना है and we have to rub against the silk cloth. अब क्या करना है? पहले हमने इन silk cloth से क्या किया था? Glass rod को rub किया था और उसके बाद rubbing करने के बाद क्या करना है? Yes, middle में उसके यस थ्रेड से उसको टाई करके हैंग कर देना, लटका देना है। फिर उस इन सेम वे क्या करना है हम लोगों को दूसरा ग्लास रॉड लेना है, उस ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से रबिंग करके उसको भी क्या करना है ये सब वो जो हैंग किया है पहला जो ग्लास रॉड है उसके नज़दीक लाना है। तो क्या होगा? दैट ग्लास रॉड दैट हैंग विल यस मूव, मीन्स देयर विल बी रिपल्शन। तो क्या होगा वहाँ पे? रिपल्शन होगा। What do you see? The two rod push each other away. Okay, दोनों rod एक दूसरे को क्या करेंगे? Push करेंगे, धक्का देंगे। Now take plastic rod. Rub one of the end against a woolen cloth. Bring that end near the suspended glass rod. Now what do you see? Okay, now yes, अब क्या करना है हम लोगों को? अब एक दूसरा glass rod लेना है और वो किसका बना होना चाहिए? प्लास्टिक का। किसका बना होना चाहिए? प्लास्टिक का rod होना चाहिए। Rub one of its end against woolen cloth. और उसको क्या करना है? उसका एक end अब क्या है ये woolen cloth से हम लोगों को rubbing करना है, woolen ऊन का बना हुआ। Bring that end near the suspended glass rod. Now what do you see? The two rods pull towards each other. अब दूसरे केस में क्या हो रहा है? दोनों रॉड एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे, खींच रहे। ओके समझ में आए स्टूडेंट? The two rods are pulled towards each other. What did you find in the first experiment? ओके इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या समझ में आया कि when there are the like charges, जो कि क्या है हमने देखा कि ग्लास रॉड में हमने सेम मटेरियल सिल्क वॉर्म से क्या किया था रबिंग किया था तो ग्लास का मटेरियल सेम था और वो ये प्लास्टिक का जो क्या है ये रॉड है, प्लास्टिक के रॉड